ईरान और भारत की दोस्ती आज और मजबूत हो गई। ईरान से भारत का रूहानी रिश्ता बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले और वीटो अधिकार भी मिले भारत को। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के भारत दौरे में भारत और ईरान के बीच 9 समझौते हुए हैं। इसमें चाबहार पोर्ट समेत आपसी व्यापार बढ़ाने को लेकर करार शामिल है। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। अपराधियों के प्रत्यर्पण, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीजा से छूट देने पर भी MOU साइन किए गए। आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है। हसन रूहानी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हसन रूहानी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत और ईरान आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का विकल्प तैयार करने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के बीच ट्रांजिट और इकोनॉमिक अहम मुद्दे हैं। हम दोनों देशों में रेलवे नेटवर्क विकसित करना चाहते हैं। हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट के विकास में भारत अहम भूमिका में है।